बीजेपी की हकीकत आए दिन सामने आ रही है। सत्ता में रहकर बीजेपी ने पहले जनता को लूटा, अब बीजेपी के मंत्रियों को भी भाजपा का असलियत समझ में आने लगा है। धीरे धीरे भाजपाई नेता मोदी एजेंडा को समझने लगे हैं। आपको बता दें, भाजपा के वरिष्ठ नेता गेगांग अपांग अरुणाचल प्रदेश में 23 साल सीएम के पद पर सत्ता में रहने के बाद सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। भाजपा के खिलाफ कई बड़े राज खोले। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे गेगांग अपांग ने पहले इस्तीफे में कहा, मुझे ये देखकर निराशा हुई कि बीजेपी इस समय स्वर्गीय वाजपेयी जी के सिद्धांतों का पालन नहीं कर रही है। पार्टी अब सत्ता में आने का जरिया बन गई है। आगे कहा कि पार्टी ऐसे लोगों के नेतृत्व में काम कर रही है जो लोकतांत्रिक फैसले नहीं लेते। अपांग ने कहा, बीजेपी और केंद्र सरकार सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुँचाने में नाकाम रही है। नागा शांति वार्ता, चकमा हजोंग मुद्दा, नागरिकता बिल, दूर संचार व वास्तविक समय में डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ ही बांग्लादेश, म्यांमार और चीन जैसे पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने जैसे अहम मुद्दों का समाधान खोजने में मोदी सरकार नाकाम रही है। अपांग ने कई मुद्दों को लेकर अमित शाह और मोदी पर निशाना साधा। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री गेगांग अपांग ने साल 2014 में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। गेगांग अपांग लगभग 23 साल तक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। इससे पहले अपांग बीजेपी 2003 में अरुणाचल में बीजेपी नीत गठबंधन सरकार का 42 दिनों तक नेतृत्व किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।